Stop believing fake media. We give you information with scientific evidence. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीकनेस के बारे में। वीकनेस आखिर होती क्या है, ये उससे पूछो जिसने कभी फील किया हो। बोलेगा कि बिना काम किए ही थका हुआ महसूस करता हूँ, नींद ज़्यादा आती है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, किसी काम को करने के लिए ज़बरदस्ती ताकत लगानी पड़ती है, इवन स्टैंडिंग पोजिशन इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर दीज पीपल, दे प्रीफर टू सिट और लाई डाउन, और किसी चीज़ में मन ना लगना क्योंकि आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो कर रहे होते हो। बात आती है कि आखिर क्यों होती है ये कमज़ोरी। दोस्तों, हर उम्र पे अलग अलग कारण हो सकते हैं। बच्चों में, खासतौर से 12 साल से कम के बच्चों में अगर कमज़ोरी है तो बहुत ही गलत बात है। बच्चे तो बंदर होते हैं, अगर वो थका हुआ महसूस करते हैं तो आपको हाई अलर्ट होने की ज़रूरत है और ध्यान देना है कि उसकी डाइट पर, खासतौर से प्रोटीन युक्त डाइट, क्योंकि बच्चों में एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको क्वेश्चोकर और मरासमस बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन होता है। साथ ही डॉक्टर की सलाह लें टू रूल आउट एनी अंडरलाइंग मेडिकल कॉज। अब बात करते हैं लेडीज़ में होने वाली वीकनेस की। मोस्ट कॉमन कॉज है अनीमिया, मतलब खून की कमी, जिसको आयरन रिच फूड जैसे कि स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा खा के दूर किया जा सकता है। मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया में आपको आयरन फोलिक एसिड टैबलेट लेकर इस कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और मेनोपॉज में भी वीकनेस वाली फीलिंग होती है ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस, ये टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। एक वीकनेस होती है ट्रू वीकनेस और एक होती है फॉल्स वीकनेस। ट्रू वीकनेस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मेन फोर्स जो लग रही होती है मसल से वो एनफ नहीं होती है उसमें। फॉल्स वीकनेस में गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के लिए पर्सन को नॉर्मल से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है, ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल इन क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। अगर आपको वीकनेस है तो दो कारण हो सकते हैं। आपका पहला कारण हो सकता है गलत रहन सहन का तरीका, दूसरा सम अंडरलाइंग इलनेस में ऑल्सो बी देयर। गलत रहन सहन का तरीका मतलब टाइम पे ना खाना, न्यूट्रिशियस फूड की जगह आपको जंक फूड खाना की आदत होती है, स्पेशली टाइम पे ना खाना, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है। मॉडरेट या सीवियर डिहाइड्रेशन में आपको ज़्यादा प्यास लगती है, माइल्ड डिहाइड्रेशन तो आप प्यास लगने का इंतजार ना करें, पानी पीने के लिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास वाटर का इंटेक करें। मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में बॉडी में अलग अलग साइंस जैसे कि स्किन ड्राई होना, होंठ सूखना, आइज अंदर की तरफ धंसना वगैरह आने लगते हैं, आपका बीपी गिरने लगता है, जिसकी वजह से वीकनेस फील होती है। एप्रोप्रिएट फ्लूइड इंटेक से इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट रीज़न होता है न्यूट्रिशन की कमी, स्पेशली कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, धीरे धीरे बोन एंड मस्कुलर पेन होने लगता है। नेक्स्ट रीज़न होता है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, टाइम पे ना खाना खाने की वजह से ग्रेजुअली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिरने लगता है और लो एनर्जी वाली फीलिंग आती है। अब बात करते हैं अंडरलाइंग इलनेसेस की। मसल में वीकनेस के कई कारण हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी लाइक मायोपैथीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायस्थेनिया ग्रेविस एंड मैनी अदर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसको पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिससे जो कि आपका नर्व कंडक्शन टेस्ट, EMG, MRI वगैरह टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। दूसरे कारण होते हैं जैसे कि कैंसर, एनीमिया, विटामिन ओवरडोज, COPD, थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपोथायरॉयडिक कंडीशन वगैरह। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज करवाना चाहिए। अगर आपको वीकनेस की शिकायत है तो आपको अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हैं। बैलेंस डाइट में जो मील होती है उसमें हाफ प्लेट पोर्शन में वेजिटेबल एंड फ्रूट होने चाहिए, 1/4 पोर्शन में प्रोटीन एंड रेस्ट 1/4 में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ध्यान दें कि बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, टाइम पे खाना खाएं, सूरज की धूप बिफोर 8 AM इन मॉर्निंग लें ताकि विटामिन डी की सिंथेसिस बॉडी में हो सके। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वीकली या फिर डेली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ तो आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी, क्योंकि माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन होता है। अगर हम सोचेंगे कि हम बीमारी हैं तो हम वैसा ही फील करेंगे बिकॉज ऑफ द साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट। इस सब के बाद भी अगर आपकी वीकनेस इंप्रूव नहीं होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास रिक्वायर्ड टेस्ट कराने चाहिए ताकि डिटेक्ट कर सके कि अंडरलाइन मेडिकल इलनेस क्या है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।